seen the part completion test, which is on 13th. I will be giving gametogenesis, fertilization, ovarian and menstrual cycles, and along with that, first and second week of development. Assisted reproductive techniques या किसी किसी बुक में क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज ये सब दे रखा है, पर वो एज अ होल मैंने नहीं पढ़ाया है. तो जितना मैंने पढ़ाया है फ्रॉम द डे वन, गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, ओवेरियन मेंस्ट्रुअल साइकल्स एंड दिस फर्स्ट एंड सेकेंड वीक ऑफ डिवेलपमेंट, मतलब आज तक की क्लास का, इतना तुम्हें 13th के एग्जाम के लिए पढ़ना है. सो फर्टिलाइजेशन स्टार्ट कर लिया था पिछले टर्न पे, आज से कंटिन्यू करेंगे एंड देन दी सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट. सो विद द फर्टिलाइजेशन व्हाट बिगिंस इज द फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट. मतलब एम्ब्रियोलॉजी में जब हम वीक वाइज स्टडी कर रहे हैं तब हम फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से नहीं गिन रहे हैं. डेवलपमेंट कहां से शुरू हो रहा है? विद फर्टिलाइजेशन. सो एज सून एज फर्टिलाइजेशन अकर्स, द फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट इट बिगिंस. सो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. What is required for that fusion to occur? Yes, sir, first of all, approximation of the gametes is required. So this, the sequence of events that begins with the contact or with the approximation of sperm, that means आवाज आएगी तो बाहर चले जाना, फिर जो भी मुझे बात करता हुआ दिखेगा पूरे ये दोनों लास्ट के जो लास्ट और सेकेंड लास्ट रो है पूरे रो को बाहर निकाल दूंगी. जिसको नहीं सुनना है वो जा सकता है. सो सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट बिगिंस विद द अप्रोक्सीमेशन ऑफ स्पर्म एंड सेकेंडरी ओसाइट. स्पर्म इज द, नाउ स्पर्म इज द स्पर्मेटोजोआ और द मैच्योर फीमेल द मेल गैमेट एंड द सेकेंडरी ओसाइट. अभी भी ये कौन से स्टेज में है? सेकेंडरी ओसाइट स्टेज में है. मियोसिस के कौन से स्टेज में है ओसाइट? मियोसिस वन में है, टू में है. ओव्यूलेशन हो चुका है फर्टिलाइजेशन टू अकर, तो ओव्यूलेशन कौन से स्टेज में होता है? प्रोफेज वन में. तो बर्थ से अरेस्टेड रहेगा वो, बर्थ से अरेस्टेड रहेगा. उसके बाद में अगर वो सेकेंडरी ओसाइट बोल रहे हैं तो दैट मींस क्या कंप्लीट हो चुका है? मियोसिस वन. तो तभी तो वो हेप्लॉइड हुआ, सेकेंडरी ओसाइट हुआ. लेकिन मियोसिस टू जो है दैट इज नॉट कंप्लीटेड. इट विल कंप्लीट ओनली इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स. सो दैट मींस अप्रोक्सीमेशन बिटवीन अ स्पर्म जिसमें स्पर्मियोजेनेसिस भी हो गया है, अप्रोक्सीमेशन हो रहा है, तो दैट मींस कैपेसिटेशन भी हो चुका है. दैट मींस मैच्योर मेल गैमेट है. लेकिन ओसाइट कौन सी स्टेज में है? इट इज इन द सेकेंडरी ओसाइट स्टेज वेयर फर्स्ट मियोटिक डिविजन हैज अकर्ड. दैट मींस ओव्यूलेशन हैज टेकन प्लेस एंड इट एंड्स विद द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म एंड ओवम. कहीं भी ना जाइगोट टर्म एज सच नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, एज सून एज द प्रो न्यूक्लियाई दे कम टुगेदर द क्लीवेज डिविजन स्टार्ट्स. तो अगर हम बोले कि कोई चीज जाइगोट पे रुक गई है तो ऐसा नहीं है, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है. सो दैट इज वाई दी इट एंड्स विद द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म एंड ओवम एंड इंटरमिंगलिंग ऑफ मेटर्नल एंड पेटर्नल क्रोमोजोम. एंड आफ्टर द इंटरमिंगलिंग ऑफ मेटर्नल एंड पेटर्नल क्रोमोजोम्स वॉट विल स्टार्ट? द क्लीवेज डिविजन विल स्टार्ट एंड टू सेल स्टेज विल अकर. सो वेयर डज फर्टिलाइजेशन मोस्ट कॉमनली अकर्स? इट अकर्स इन द एम्प्यूलरी पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब. वॉट आर द पार्ट्स ऑफ फेलोपियन ट्यूब? इनफंडिबुलम, एम्प्यूला, इस्थमस एंड देन देर इज इंट्राम्यूरल पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब.
and then this in the ampullary part, which is the widest part, here occurs the fertilization. Ovum is released into the peritoneum or into the abdominal cavity. It will be picked up by the longest fimbria, and then it has to travel till the ampulla, and then sperms have to travel through the cervix, through the this uterine cavity, body of the uterus, through the fundus, and then they will be reaching till the ampulla. Jab tum log fallopian tube abhi detail mein padhoge, the it is lined by which kind of epithelium? It is lined by ciliated epithelium, and cilia beat in two different directions. They have to propel the sperm from the this uterine cavity till the ampulla, and then they have to pick up propel the ovum till the ampulla. That means cilia of the medial part and of the lateral part, they beat in two different directions, and they propel the sperm towards the ovum and ovum towards the upper side. So this way, this fertilization, it occurs. So it occurs in the ampullary region, or ovulation takes place at the which day of menstrual cycle? Jo hum normally sochte hain, 14th day of the menstrual cycle. There is a transient increase in the body temperature at fertilization, and then the mildly painful sensation also occurs, and about 200 to 300 spermatozoa, they reach the site of fertilization. How many were secreted, and how many are reaching? Only 200 to 300 spermatozoa are reaching. 200 to 300, and how many were secreted? They were in millions. Only 200 and 300. So this is the structure of the male gamete and female gamete, in which the fertilization has to occur. So now you can see in the sperm, there is a head of the sperm consisting of nucleus and a nucleolus. The head is covered by an acrosomal cap, and it consists of certain granules. This is the neck, which consists of proximal centriole, then the middle piece consisting of mitochondria, the distal centriole, then the principal piece which acts as flagellum, and then the end piece. So this middle piece, principal piece, end piece, middle piece has got mitochondria, the head of the sperm covered by the acrosomal cap. This is the structure of the oocyte, consisting of nucleus, nucleolus, cytoplasm, and then there are the layers of the cells which surround the ovum. It has got zona pellucida also. Ye kaun sa membrane hai ovum ka jo black color se lined hai? This is the plasma membrane or the vitelline membrane. Then vitelline membrane on the outer side is covered by zona pellucida. Then zona pellucida is covered on the outer side by corona radiata, and corona radiata are derived from which follicular cells? Cumulus oophorus. So cumulus oophorus, they have arranged them outside the zona pellucida, and this is the ovum. Now fertilization will be occurring. For the fertilization to occur, sperm has to pass through a process that is known as capacitation. This capacitation, it takes place in the female reproductive tract, and it takes about 7 hours. It occurs in the uterus or uterine tube, and epithelial interaction between the sperm and mucosal surface of the genital tract, it causes the maturation of the sperm. And then sperms actually, they are sucked upwards by the uterine contractions, and the prostaglandins are also released at this time. Then the acrosomal reaction, it occurs. So now coming to the phases of fertilization, there is phase 1, phase 2, and phase 3. These phases are according to the barriers through which the sperm has to pass. So what are the three barriers through which the sperm has to pass? One is corona radiata, second is
जोना पेलुसिडा एंड थर्ड इज विटेलाइन मेम्ब्रेन. तो स्पर्म हैज टू इन्वेड थ्रू दी कोरोना रेडिएटा, थ्रू दी जोना पेलुसिडा एंड देन दी विटेलाइन मेम्ब्रेन. सो दिस इज फेज वन. सो इन द फेज वन, इन द फेज टू देर विल बी एक्रोसोमल मेम्ब्रेन ऑफ द स्पर्म विल बी डिजॉल्विंग एंड दिस इज फेज थ्री इन विच द फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एंड ओवम इज टेकिंग प्लेस. सो फेजेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन, इट इंक्लूड्स द पैसेज ऑफ द स्पर्म थ्रू कोरोना रेडिएटा, पेनिट्रेशन ऑफ जोना पेलुसिडा एंड फ्यूजन ऑफ ऊसाइट एंड स्पर्म सेल मेम्ब्रेन एंड देन देर इज कंप्लीशन ऑफ सेकेंड मियोटिक डिविजन ऑफ द, एज सून एज द स्पर्म एंटर्स inside the vitelline membrane of the ovum, that is actually the induction for the completion of the second meiotic division. So there is formation of male pronucleus, union of male and female pronucleus, splitting of 23 paternal and maternal chromosomes. We will be seeing the each phase. So in the first phase, when the sperm has to pass through corona radiata, the enzyme hyaluronidase, it helps the sperm. You can see the 200 to 300 sperms which have reached up to the ovum. So they are releasing which enzyme? That enzyme is hyaluronidase. So by the release of that enzyme, they will invade through the corona radiata. Then they will be coming to zona pellucida. In the zona pellucida, there are two specific proteins, ZP2 and ZP3. So it will be binding with that, and also the acrosin reaction, mainly the proteases enzymes, the proteolytic enzymes, they are released, and the lysosomal enzymes, they will be released, and the sperm will penetrate through the zona pellucida. When a sperm is binding with the zona pellucida, it is said that it is a very species specific reaction. So that binding can occur between the sperm and the ova of the same species. Then fusion of the oocyte and sperm cell membrane is the last event. So you can see in the this is the first picture where the sperm is intact with its plasma membrane and the acrosomal cap. This acrosomal cap was formed by Golgi body, and it is consisting of lysosomes. So sperm with the plasma membrane, it is invading through the corona radiata and hyaluronidase enzyme is released. When it is passing through the zona pellucida, the nuclear membrane, you can see the plasma membrane of the sperm is lost. And then the acrosomes, they are releasing these lysosomal enzymes which is causing the acrosin reaction. Acrosin reaction, basically the proteolytic enzymes, they are released when it is passing through the zona pellucida. And then you can see the sperm has lost the plasma membrane, and then in the last phase, it is moving inside the ova. Now, most of the books write only the head part is entering into the ovum and most of the tail is left behind. लेकिन ये जितने भी pictures मुझे मिले हैं उसमें middle piece जो है वो अंदर दिख रहा है and rest जो है principal and the end piece that is left behind. So both the things we can see. अब इसमें पूरा ही दिखा दिया है, वो ठीक नहीं है क्योंकि सिर्फ head जो है वही enter करेगा and the tail will be left behind. And you can see the rest of the sperms, they are not able to move inside the ova because as soon as a sperm enters into the ovum, the zona pellucida will be closed by a zona reaction. So completion of, and then that is also a signal for the completion of second meiotic division. So in the perivitelline space, this blue colored space is perivitelline space. Here you can see the polar bodies are released. So as soon as a sperm enters, the polar bodies are released, the sperm has entered, and then it will be converted into a male pronucleus and the ovum will be converted into female pronucleus. So what change is occurring in the sperm and ovum when they are converting into the pronuclei? Duplication of the DNA is occurring.
क्योंकि अभी तक अगर मियोटिक फर्स्ट डिवीजन हुआ था तो ये कैसे हो गए थे, स्पर्म इज ऑल्सो हेप्लॉइड एंड दैट इज ऑल्सो हेप्लॉइड. इसीलिए अगर हेप्लॉइड दोनों सेल्स रहते और उनका फ्यूजन होता देन वी कॉल इट एज जाइगोट. बट बिफोर द फ्यूजन वॉट इज अकरिंग, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए ऑफ बोथ द गैमेट एंड देन दे विल बी अरेंजिंग एट द सेंटर ऑफ दिस फीमेल गैमेट एंड देन यू कैन सी द सेंट्रियोल्स. Then there will occur the crossing over, the arrangement of the cells at the center, and then they will be dividing into two cells. So cleavage division occurs as soon as fertilization occurs, and before any fusion, what starts is the cleavage division with the duplication of the chromosomes. So there is first formation of male pronucleus and female pronucleus, union of the male and female pronucleus, breakdown of the pronuclear membranes, and then splitting of 23, division of the cytoplasm, formation of two-celled structure. It is two-celled structure called the zygote. So now you can differentiate between the phases of fertilization and effects of fertilization. So agar question kis pe aata hai, phases of fertilization pe, to tum kya likhoge the sperm has to pass through three barriers, phase 1, phase 2 and phase 3. So phase 1 when it is invading corona radiata, phase 2 when it is invading zona pellucida, and phase 3 when there occurs fusion of the sperm cell membrane, plasma membrane, and the plasma membrane of the ovum, that means vitelline membrane. And what are the results or effects of fertilization? The results are restoration of diploid number, biparental inheritance, primary sex determination, now sex can also be determined, then initiation of the cleavage of zygote. So as soon as the fertilization occurs, there occurs initiation of cleavage of the zygote. Now what is the difference between cleavage and normal mitotic division? Why we are not calling it as normal mitotic division? Because product of conception is surrounded by a stiff layer, that is zona pellucida. It is still there. So no increase in the size of the product of conception occurs. Only division is occurring inside that zona pellucida. So that is why there will be occurring. That means cytoplasmic, the amount of cytoplasm will be reduced in each cell. So two cells stage is zygote, then the mitotic divisions, otherwise it is normal mitotic, but we are calling it as cleavage division because zona pellucida is there. So cells which are formed as a result of cleavage are known as blastomeres. Then what will form? Morula, and you know that there will be a blastula. So kitne cell stage is morula and kitne cell stage is blastula? जब तक कैविटी अपीयर नहीं हो रही है, टिल दैट टाइम वी डू नॉट मतलब अगर कैविटी अपीयर हो गई है तो वो क्या है? ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला. 16 to 32 सेल स्टेज इज मोरुला, अदरवाइज वो 8 सेल स्टेज भी लिखते हैं कि मलबेरी लाइक अपियरेंस एक्चुअली कब दिखने लगता है? 16 सेल स्टेज से. So 16 to 32 cell stage is morula, and as soon as the cavity appears, it becomes blastula. So this is the 2 cell stage, 4 cell stage, 8 cell stage, and then the 16 or 32 cell stage covered by the zona pellucida. So how much time is required for the fertilization process to occur? 24 hours. So 24 hours actually, around 24 hours is the time. और उस 24 hours में हमने देखा कि 7 hours were for capacitation and rest of the things were for phase 1, phase 2 and phase 3 of the fertilization. So morula enters into the uterine cavity, formation of blastocyst, the zona pellucida disappears and there starts the, this is the early blastocyst cavity covered by zona pellucida, and when the
जोना पेलिसिडा डिसअपियर्स, इट डिसअपियर्स एट विच टाइम, आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ फर्टिलाइजेशन? इट डिसअपियर्स आफ्टर 6 to 7 days ऑफ फर्टिलाइजेशन, एंड दैट इज द टाइम वेन इम्प्लांटेशन अकर्स. Yes, this is the picture which is showing all the events. So you can see the ovum is ovulated at the secondary oocyte stage. So we can see, call it like after, at the 14th day of the menstrual cycle, it will be picked up by the fimbria and then it will travel to the ampullary part of the fallopian tube. So fertilization will occur in the ampullary part, the zygote will be formed, then there is 2-cell stage, 4-cell stage, 8-cell stage. This 8-cell stage, it appears after 3 days of the fertilization. That means after 72 hours of fertilization, this 8-cell stage appears. So 3 days have passed. Now this zygote has to pass where? Kahan jana hai? What is the normal site of implantation? The fundus of the uterus or the upper part of the uterine cavity. Most commonly it is implanted into the posterior wall, and in some cases it is implanted into the anterior wall, but normally implantation occurs in the upper part or the fundus part of the uterus. So that means it has to reach there till 6 to 7 weeks or 7 days. Lekin agar hum 6 to 7 days bol rahe hain, तो कौन सा वीक ऑफ डेवलपमेंट है? फर्स्ट वीक. दैट मीन्स फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट इट स्टार्ट्स विद द फर्टिलाइजेशन एंड इट एंड्स एट इम्प्लांटेशन. सो दिस पैसेज अलोंग द यूटेराइन ट्यूब एंड रीचिंग टू द यूटेराइन कैविटी एंड देन डिसअपियरेंस ऑफ द जोना पेलुसिडा एंड इम्प्लांटेशन, दीज ऑल इवेंट्स आर इंक्लूडेड इन द फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट. So implantation, it usually occurs after 6 to 7 days of fertilization in a 28 days menstrual cycle. So blastocyst, it attaches to the wall of the uterine cavity. This is the uterine cavity. It is lined by which epithelium? Can you make out the epithelium? Columnar epithelium, simple columnar epithelium of the uterine cavity. These are the endometrial glands. And you can see this blastocyst, what is disappeared from this? Zona pellucida. Then zona pellucida, jab tak rahegi, it will prevent implantation. As soon as for implantation to occur, zona pellucida has to disappear. So when it will disappear, the blastocyst, till this time it has differentiated into two kinds of cell, the product of conception. What are these? Inner cell mass and outer cell mass, and both these masses are separated by a cavity. That cavity is blastocystic cavity. Morula mein jo cells bilkul pass pass mein the, unke andar kya ho jayega? Vacuoles will appear and space will appear in between those cells, and finally a cavity will be appearing, and these cells will be like they will be rearranging themselves into two groups. One is the inner cell mass and one is the outer cell mass. और ये जो outer cell mass है, इनको इन cells को हम क्या कहेंगे? Trophoblast. जो inner cell mass है, they will be forming the embryo, so they are known as embryoblast. So embryoblast and trophoblast, they will be separated by a cavity which is the blastocystic cavity. Now these trophoblast cells actually invade the uterine endometrium, and they will be releasing, they will be like digging the uterine endometrium by releasing the proteolytic enzyme, and then you can see it, they will be forming certain processes, and then they will be going inside. So you can see in the picture, the trophoblast, actually they will differentiate into two layers, the cytotrophoblast and the syncytiotrophoblast. What is the difference between cytotrophoblast and syncytiotrophoblast? Proper cell membrane is there in the cytotrophoblast, and only nuclei, like they are present in a pool, and there are no definitive cell membranes in the
syncytio trophoblast. So these syncytio trophoblast, they will be digging the uterine endometrium, and then the implantation is occurring. And all these changes, the disappearance of the Eusona pellucida and the process of implantation actually starts at 6th to 7th day. It is not completed by that time. Abhi hum dekhenge 9th day pe jo gap banega iske digging se wo bhi seal ho jayega, and by that time the process will be completed. So 6th day pe syncytio trophoblast, they will extend through the endometrial epithelium. They invade the connective tissue. By the end of first week, blastocyst is superficially implanted in the compact layer of endometrium. How many layers of endometrium are there? What are they? Now you are telling me the layers of uterus, endometrium, myometrium and perimetrium. Sirf endometrium ki baat kare, myometrium ta chala gaya. तो फिर तो प्लेसेंटा एक्रीटा इनक्रीटा बनाओगे तुम, वहां तक तो जाना ही नहीं है. सिर्फ इम्प्लांटेशन कहाँ हो रहा है? एंडोमेट्रियम में, मसल लेयर तक नहीं जाना है. तो एंडोमेट्रियम की क्या क्या लेयर्स हैं? स्ट्रेटम बेसल एंड स्ट्रेटम फंक्शनल. एंड देन फंक्शनल वॉज द लेयर विच शेड्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, एंड इट इज मेंटेन्ड इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स. ये जो यूटेराइन ग्लैंड थिकनिंग हो रहा है, इतनी वेस्कुलैरिटी बढ़ रही है, ये कौन सी लेयर में बढ़ रहा है? स्ट्रेटम फंक्शनल. एंड फंक्शनल लेयर कंसिस्ट ऑफ, अगेन इट कंसिस्ट ऑफ टू लेयर, स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम एंड स्ट्रेटम स्पॉन्जियोजम. तो अभी सिर्फ फर्टिलाइज, जब इम्प्लांटेशन शुरू हुआ है तो सिर्फ कहां तक गया है? कॉम्पैक्ट लेयर तक, स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम तक. और ज्यादा जाएगा तो कहां जाएगा? स्पॉन्जियोजम तक. एंड दैट मीन्स इट हैज टू गो इनसाइड. ठीक है. सिंसीशियो ट्रोफोब्लास्ट प्रोड्यूस एंजाइम दैट इरोड मेटर्नल टिश्यू, एनेबलिंग द ब्लास्टोसिस्ट टू बरो इनटू द एंडोमेट्रियम. At seventh layer, a layer of cells, the hypoblast appears on the surface of embryoblast. अभी हम देखेंगे ये epiblast और hypoblast क्या है. Now day wise, the sequencing of the events. So after 12 to 24 hours of the ovulation, what is occurring is the fertilization. So it takes around 24 hours for fertilization to occur. Then there occurs duplication of the DNA, the cleavage division starts. So this two cell stage after the fertilization, it appears after 30 hours of the fertilization. That means after one day of fertilization, this two cell stage will appear, and in 3 days the 8-cell stage will appear. And you can see it has reached to the uterine cavity after 3 days of fertilization. कोई मुझे बताएगा ये मैं 3 days after fertilization बोल रही हूँ, menstrual cycle में कौन सा day होगा? 17th day और 18th day. 14 hours पे ovulation, fertilization का process हुआ 15th day तक, उसके बाद क्लीवेज डिविजन हुआ, अगेन एक दिन गया, एंड देन 72 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, 3 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन. सो दिस इज द 17th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन इन 8-cell स्टेज इट रीचेस टू द यूटेराइन कैविटी. देन बाकी 7 days या 6 days हम बोल रहे हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन, 5.5 to 6 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन implantation will occur. And after 4.5 to 5 days, this blastula, this blastocyst cavity has appeared. So after 5 days after fertilization, the blastocyst cavity will appear and it will start implantation. तभी हमने वो पिछले वाले picture में देखा था कि early blastocyst and late blastocyst. So this blastocyst is not ready for fertilization. ये कब बन गया है? सॉरी, इम्प्लांटेशन.
दिस हैज अपियर्ड आफ्टर 4.5 to 5 days, बट इम्प्लांटेशन विल अकर एट 6th day एंड जोना पेलुसिडा विल डिसअपियर. सो दिस ब्लास्टोसिस, दिस लेट ब्लास्टोसिस विद एन इनर सेल मास एंड आउटर सेल मास बट विदाउट जोना पेलुसिडा इज रेडी फॉर इम्प्लांटेशन. क्योंकि इम्प्लांटेशन का प्रोसेस शुरू कौन कर रहा है? ट्रोफोब्लास्ट. ट्रोफोब्लास्ट कॉन्टैक्ट में ही नहीं आएंगे एंडोमेट्रियम के जब तक क्या है, जोना पेलुसिडा है. तो जोना पेलुसिडा हैज टू डिसअपियर एंड देन दी ट्रोफोब्लास्ट सेल्स विल कम इन कॉन्टैक्ट विद दी एंडोमेट्रियम. सो दीज वर दी इवेंट्स विच टुक प्लेस इन फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट. सो इट बिगिंस एट फर्टिलाइजेशन. Several changes takes place before fertilization. Before fertilization, यानी कि first week से पहले की बात है. Gametogenesis, formation of zygote, cleavage, blastocyst formation, and penetration of endometrial stroma. All these events, gametogenesis छोड़ दो, fertilization पे begin हो रहा है, zygote बन रहा है, cleavage हो रहा है, blastocyst बन रही है, and then blastocyst is penetrating the endometrial stroma, the stratum compactum layer of the endometrium. Now the cleavage division will start after fertilization. So some details about the fertilization. Halanki ye first week of development ke hi ye changes hai. So 3 days after fertilization 8 cell stage hona chahiye, par theek hai. Actually 8 cell stage ko किसी किसी बुक में 4 to 16 cell stage वो लिख देता है. और ये कब हो रहा है? ये 3 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन है. देन द इनर सेल ऑफ मोरूला कंस्टिट्यूट द इनर सेल मास एंड सराउंडिंग सेल्स विल फॉर्म द आउटर सेल मास. दिस मोरूला और मलबरी लाइक अपियरेंस जो है प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन की. सो इनर सेल मास विल फॉर्म द एम्ब्रियो प्रॉपर and outer cell mass will form the trophoblast and trophoblast will form the placenta. That means trophoblast is formed, they consist of which two kinds of cells? Syncytiotrophoblast and cytotrophoblast. Abhi jab hum placental villi padhenge, तो प्लेसेंटल विलाय किसका बना होगा? सिंसीशियो ट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट का. सो दिस वाज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स. फर्टिलाइजेशन एट एम्पुला, मेल एंड फीमेल प्रो न्यूक्लियस, 2 cell stage आफ्टर 30 hours, 8 cell stage आफ्टर 3 days, मोरूला 16 to 32 cell stage, ब्लास्टोसिस्ट विद अ कैविटी 5 days, and then the implantation. Now ectopic pregnancy can occur during this time. So ectopic what are the sites of ectopic pregnancy and what is the most common site of ectopic pregnancy? Ampulla of the uterine tube where the fertilization occurs is the most common site of ectopic pregnancy. And you will read after this the morning after pills which are taken for the contraceptive purpose, they are the most common cause for the ectopic pregnancies to occur. So, in ovary can also be a site for the ectopic pregnancy. If it is uterine tube or the fallopian tube, then infundibular, tubal, this is ampullar. Isthmus can also be a site for the ectopic. Then interstitial or intramural part of the fallopian tube can also be a site of the ectopic. Then instead of implantation in the upper part, the implantation can also occur in the lower part of the uterus also. Then that will lead to placenta previa kind of condition. So these are the sites, the cervix, the tubal pregnancies or the ovarian pregnancies. These can be the sites for ectopic pregnancy. Now blastocyst ko ab thoda aur dekh lo. Early blastocyst hai aur late blastocyst hai. There is inner cell mass, there is outer cell mass. Outer cell mass, continuously there is murmuring. The inner cell mass is separated from the trophoblast by the cavity known as blastocoel and this is blastocyst. Ab ye teen terms hain, blastomere,
ब्लास्टोसील एंड ब्लास्टोसिस्ट. व्हाट आर ब्लास्टोमियर्स? सेल्स ऑफ द दैट मीन एनी सेल विच इज फॉर्म्ड आफ्टर क्लीवेज डिविजन इज ब्लास्टोमियर. अगर मोरूला के भी सेल्स हैं तो वो क्या है? ब्लास्टोमियर्स हैं. ठीक है. ब्लास्टोसील क्या है? ये कैविटी. कहीं भी सील वर्ड आ जाए ना, सीलोम, तो ये ब्लास्टोसील है. और ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना विद कैविटी, मोरूला में जब कैविटी आ गई, सीलोम अपीयर हो गया, देन दिस इज ब्लास्टोसिस्ट. अर्ली ब्लास्टोसिस्ट इज विद जोना पेलुसिडा एंड लेट ब्लास्टोसिस्ट इज विदाउट जोना पेलुसिडा. फर्स्ट वीक खत्म हो गया. अब कौन सा वीक है? सेकेंड वीक. तो सेकेंड वीक पे हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, क्योंकि उसी में चेंज होना है. तो क्या क्या अवेलेबल है? इनर सेल मास है, आउटर सेल मास है, और क्या चेंज हो सकता है? यूटेराइन एंडोमेट्रियम. सो डेवलपमेंट इन द सेकेंड वीक इज डिस्क्राइब्ड एज चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द इनर सेल मास, चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द आउटर सेल मास और ट्रोफोब्लास्ट, एंड देन चेंजेस इन द यूटेराइन एंडोमेट्रियम. तो ये यूटेराइन एंडोमेट्रियम जो कॉलमनार एपिथीलियम है प्लस कनेक्टिव टिश्यू है, जिसमें क्या है? यूटेराइन ग्लैंड्स हैं. सो दिस इज द एंडोमेट्रियल स्ट्रोमा कंसिस्टिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स. कितना सारा प्रोजेस्ट्रॉन है. अब ये कौन सा वीक ऑफ डेवलपमेंट है? सेकेंड वीक. तो मेंस्ट्रुएशन के बाद कौन सा डे हुआ, ये कहाँ से शुरू हो रहा है? 21st डे. तो कौन सा हार्मोन है? वैसे भी फर्टिलाइजेशन हो चुका है, सो प्रोजेस्ट्रॉन इज डोमिनेटिंग. तो प्रोजेस्ट्रॉन के इफेक्ट में दी एंडोमेट्रियम लाइक मतलब देयर विल बी अ लॉट ऑफ ग्लैंडुलर सिक्रीशन, लॉट ऑफ वेस्कुलैरिटी, एंड प्रोजेस्ट्रॉन इज प्रिपेयरिंग बेड फॉर दी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन. तो 21st डे में ये सब चेंजेस एंडोमेट्रियम में होंगे. 7.5 डे ह्यूमन ब्लास्टोसिस्ट इज पार्शियली एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियल स्ट्रोमा. स्टिल इट इज नॉट कंप्लीटली एम्बेडेड एट डे 8. वी विल बी सीइंग कि 9 डेज पे क्या होगा, क्योंकि यहां से देखो ये खुला हुआ है, इधर से यूटेराइन एंडोमेट्रियम सील्ड ऑफ नहीं है. अब ये जो सेल्स हैं ब्लू और येलो कलर के, ये तो हैं इनर सेल मास, और ग्रीन, लाइट ग्रीन एंड डार्क ग्रीन क्या है? आउटर सेल मास और ट्रोफोब्लास्ट. तो ट्रोफोब्लास्ट में कितने लेयर्स दिख रहे हैं डे 8 पे? दो. कौन कौन से? साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट. इनर सेल मास में भी दो लेयर्स दिख रहे हैं, दो कलर्स से दिख रहे हैं. कोई बताएगा इनको क्या, इनमें डिफरेंस क्या है, शेप में क्या डिफरेंस है इन दोनों के, येलो और ब्लू में? ब्लू वाले कैसे हैं? कॉलमनार. और येलो कैसे है? क्यूबॉइडल. तो कॉलमनार सेल जो लेयर है दैट इज नोन एज एपीब्लास्ट, एंड क्यूबॉइडल सेल लेयर इज नोन एज हाइपोब्लास्ट. साइटोट्रोफोब्लास्ट आर विद सेल मेम्ब्रेन एंड सिंसिशियो आर विदाउट सेल मेम्ब्रेन. तो डे 8 पे हमें इनर सेल मास में दो लेयर्स मिल गई हैं. कौन सी? एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट. ट्रोफोब्लास्ट में भी दो लेयर्स हैं, सिंसिशियो एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट. देन द कैविटीज हैव आल्सो अपीयर्ड, द एमनियोटिक कैविटी एंड द योक सैक कैविटी. योक सैक कैविटी अभी नहीं दिख रही है, सिर्फ क्या दिख रहा है? एमनियोटिक कैविटी दिख रही है विच इज लाइंड बाय द एमनियोब्लास्ट. एमनियोटिक कैविटी कौन सी है? ये ब्लू कलर के सेल्स हैं, इसके ऊपर ये व्हाइटिश कलर्ड कैविटी दिख रही है, दिस इज द एमनियोटिक कैविटी. कैन यू मेक आउट इन द पिक्चर, इज द कैविटी लाइंड बाय अ सिंगल काइंड ऑफ सेल्स और टू डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स? टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स आर देयर. लोअर वन आर एपीब्लास्ट विच आर कॉलमनार, एंड अपर सेल्स आर क्यूबॉइडल और समवॉट फ्लैटेंड सेल्स. So these flattened cells which line the amniotic cavity from the upper side are known as amniogenic cells, and they will be secreting the amniotic fluid. So amniogenic cells. So inner cell layer with mononuclear cells,
the cytotrophoblast and these are the syncytiotrophoblast. Syncytiotrophoblast, you can see they are continuously invading the endometrium. Then amniotic cavity, it has appeared as a small cleft. Amnioblast from epiblast, they are derived from the epiblast and then they will be forming the amniotic fluid. Then endometrial stroma is edematous, it is highly vascular and large tortuous gland secrete glycogen and mucus. This progesterone, it is making the bed for the product of conception. Then epiblast cells are the columnar cells and hypoblast, they are the cuboidal cells. ज्यादातर जगह अभी हम देखेंगे ये क्यूबॉइडल सेल्स जो हैं दे विल बी फॉर्मिंग एंडोडर्म. तो येलो कलर्ड से ही हमारे पास मॉडल्स भी हैं एम्ब्रियोलॉजी में, तो येलो कलर्ड से ही एंडोडर्म जहां भी दिखेगा वो येलो कलर्ड से ही है. एंड देन दे विल बी फॉर्मिंग द गट, वो बाद में देखेंगे. सो ब्लास्टोसिस्ट मोर डीपली एट डे 9, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट विच अकर्स एट डे 9 इज फाइब्रिन कोएगुलम क्लोजेस डिफेक्ट ऑन दी सरफेस एपिथेलियम. कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो जो गैप क्रिएट हुआ था एंडोमेट्रियम में, इट इज क्लोज्ड बाय डे 9 आफ्टर फर्टिलाइजेशन बाय अ फाइब्रिन कोएगुलम. देन टू पोल्स आर ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड विद द फॉर्मेशन ऑफ इनर सेल मास एंड द आउटर सेल मास. जिस पोल पे हमें ये इनर सेल मास दिख रहा है दैट इज दी एम्ब्रियोनिक पोल एंड ऑपोजिट पोल इज दी एब एम्ब्रियोनिक पोल. ठीक है, दो पोल्स भी हो गए. जहां पे पहले पूरा एक जैसा था मोरूला था, फिर ब्लास्टुला में दो सेल लेयर्स बनी, इनर सेल बना और आउटर सेल बना. फिर इनर सेल एक जगह जाके फिक्स हो गया कैविटी में, वो जिस जगह एक जहां पे फिक्स हुआ है वो कौन सा पोल है, एम्ब्रियोनिक पोल. और जो दूसरा पोल है वो क्या है, एब एम्ब्रियोनिक पोल. अब मुझे बताओ कि और क्या चेंजेस अब तुम्हें इसमें दिख रहे हैं एंडोमेट्रियम में, बताओ क्या चेंज दिख रहा है. एक मिनट, पिछला वाला स्लाइड देख लें. अच्छा, एंडोमेट्रियम में क्या चेंज हुआ है, और ज्यादा ग्लाइकोजन स्टोरेज वैक्यूल्स और बन जाएंगे. ये जो है, व्हाट आर दीज, दीज आर मैटरनल ब्लड वेसल्स एंड देन मैटरनल दे आर इन द एंडोमेट्रियम. तो ये एंडोमेट्रियम में चेंजेस हो गए. इसमें क्या चेंज दिख रहा है, सिंसीशियोट्रोफोब्लास्ट में चेंज दिख रहा है. अब क्या हो गया सिंसीशियोट्रोफोब्लास्ट में, पहले तो सिर्फ न्यूक्लियाई दिख रहे थे, अब क्या अपीयर हो गए, लेक्यूने. सो लेक्यूने और स्पेसेस यू कैन सी स्टार्टेड अपीयरिंग इन द सिंसीशियोट्रोफोब्लास्ट एंड देन दिस इज नोन एज लेक्यूनार स्टेज ऑफ द सिंसीशियोट्रोफोब्लास्ट. तुम बहुत ज्यादा डे वाइज नहीं भी लिखोगे एग्जाम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम किसकी बात कर रहे हैं, सेकेंड वीक की. कब से शुरू हुआ है सेकेंड वीक, 8th डे से, इम्प्लांटेशन के बाद से. तो जब इम्प्लांटेशन हो रहा है तभी हमारे पास क्या है, इनर सेल मास है, आउटर सेल मास है, और वो कहाँ इन्वेड कर रहा है, यूटेराइन एंडोमेट्रियम में इन्वेड कर रहा है. तो सेकेंड वीक के जो चेंजेस होंगे वो किस में होंगे, इनर सेल मास में होंगे, आउटर सेल मास में होंगे एंड देन दी यूटेराइन एंडोमेट्रियम. अब जो आउटर सेल मास है उसमें क्या क्या है, कौन सा लेयर है आउटर सेल मास, सिंसीशियो एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट. तो सिंसीशियो ट्रोफोब्लास्ट में क्या चेंज हुआ, पहले ये कंटिन्यूअस था, अब ये लैक्यूने हैव स्टार्टेड अपीयरिंग. साइटोट्रोफोब्लास्ट अपनी जगह है. ये कैविटी हमने देख ली थी, एमनियोटिक कैविटी. अब देखो यहां पे जो दूसरी एब एम्ब्रियोनिक पोल में जो हाइपोब्लास्ट सेल्स थे, दे हैव ऑल्सो लाइक क्रिएटेड वन कैविटी. ये जो कैविटी है ये कौन सी है, प्रिमिटिव योक सैक कैविटी. हाइपोब्लास्ट सेल्स एट द एब एम्ब्रियोनिक पोल दे विल बी चेंज इनटू फ्लैटेंड काइंड ऑफ सेल्स. ये जो फ्लैटेंड सेल्स हैं, इन फ्लैटेंड सेल्स को हम क्या बोल रहे हैं, ह्यूजर्स
मेम्ब्रेन. सो एब एम्ब्रियोनिक पोल दी एट दी एब एम्ब्रियोनिक पोल दी फ्लैटेंड सेल्स विल फॉर्म फ्रॉम हाइपोब्लास्ट. मतलब जो अभी तक सिर्फ क्यूबॉइडल सेल्स थे वो एब एम्ब्रियोनिक पोल पे वो फ्लैटेंड सेल्स और डिवाइड होके किस में चेंज हो जाएंगे, फ्लैटेंड सेल्स में एब एम्ब्रियोनिक पोल पे, एंड देन दे विल बी फॉर्मिंग अ मेम्ब्रेन. दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज ह्यूजर्स मेम्ब्रेन. सो प्रिमिटिव योक सैक कैविटी इज लाइंड बाय वॉट, इट इज लाइंड बाय ह्यूजर्स मेम्ब्रेन. और इसमें ऊपर की तरफ यहाँ पे क्या है, हाइपोब्लास्ट है, बिल्कुल एमनियोटिक कैविटी जैसा है. एमनियोटिक कैविटी में एक साइड कौन से सेल्स है, एमनियोजेनिक सेल्स है, और दूसरे साइड कौन लाइन कर रहा है, एपीब्लास्ट. तो सिमिलर योक सैक कैविटी, मोस्ट ऑफ द योक सैक कैविटी इज लाइंड बाय ह्यूजर्स मेम्ब्रेन एंड अपर साइड इट इज लाइंड बाय हाइपोब्लास्ट. सो टू कैविटीज, टू वीक, सेकेंड वीक इज नोन एज वीक ऑफ टू. देर आर टू लेयर्स इन द इनर सेल मास. विच टू लेयर्स, इनर सेल मास में कौन से दो लेयर्स हैं, एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट. टू कैविटीज इन द सेकेंड वीक, एमनियोटिक कैविटी एंड योक सैक कैविटी, एंड टू लेयर्स इन द आउटर सेल मास. विच आर दे, सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट. बस ये याद रखना है कि इम्प्लांटेशन नहीं होगा अगर ट्रोफोब्लास्ट जो है वो चेंज नहीं हुए किसमें, सिंसिशियो और साइटो में, क्योंकि अल्टीमेटली सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट ही इन्वेड कर रहे हैं. तो यानी ये अपीयर पहले ही हो चुके हैं, मतलब दे हैव अपीयर्ड बिफोर दी सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट, बट देन चेंजेस विल बी अकरिंग. आप देखो डे 11 और 12 में वो जो लेक्यूने अपीयर हुए थे उसमें क्या हो गया, दे विल बी फिल्ड विद दी मेटर्नल ब्लड. एक्चुअली दिस इज द बिगिनिंग ऑफ प्लेसेंटल सर्क्यूलेशन. जब तक एम्ब्रियो छोटा है, उसका साइज कम है, इट इज गेटिंग न्यूट्रिशन बाय डिफ्यूजन थ्रू द एमनियोटिक सेल लेयर. और बाकी ये जो हमारे एपीब्लास्ट थे, हाइपोब्लास्ट थे, कोई ब्लड सर्कुलेशन नहीं था. लेकिन जैसे ही इनर सेल मास डिफरेंशिएट हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो अब क्या चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन, इट शुड बी एस्टैब्लिश. सो मेटर्नल ब्लड दैट विल बी कमिंग. एक्चुअली दिस सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट दे विल बी इन्वेडिंग दी मेटर्नल कैपिलरीज एंड दी मेटर्नल आर्टरीज. सो मेटर्नल ब्लड विल बी फिलिंग इन दी लेक्यूने विच हैव अपीयर्ड इन दी एम्ब्रियोनिक पोल. सो सरफेस एपिथीलियम ऑलमोस्ट एंटायरली कवर्स डिफेक्ट इन यूटराइन वॉल. वो हमने देख ही लिया था, एक पहले फाइब्रिन प्लग बना है 9th day पे, और उसके बाद में ये जो सरफेस एपिथीलियम थी, यूटराइन एंडोमेट्रियम, इट विल कम एंड इट विल कवर दी. नाउ यू कैन से इट इज फुल्ली इम्प्लांटेड, कि अब ये पूरा डिफेक्ट भी क्लोज हो गया. देन लेक्यूनार स्पेसेज इन सिंसिशियम, पर्टिकुलरली दी एम्ब्रियोनिक पोल. तो कहाँ से अपीयर होना शुरू हुई है, एम्ब्रियोनिक पोल से. सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट इरोड दी मेटर्नल कैपिलरीज और दी साइनोसॉइड, एंड देन मेटर्नल ब्लड एंटर दी ट्रोफोब्लास्टिक सिस्टम. दिस इज यूट्रो प्लेसेंटल सर्क्यूलेशन. अभी थोड़े टाइम बाद हम देखेंगे यही ट्रोफोब्लास्ट दे विल बी फॉर्मिंग प्लेसेंटल विलाय एंड एक्सचेंज ऑफ ब्लड विल अकर इन द फीटस एंड मदर. तो वो डेवलप होना, उसकी शुरुआत हो गई है. और क्या दिख रहा है अब इसमें, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट में ब्लड फिल है, साइटोट्रोफोब्लास्ट है, ये नहीं था पहले. तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म आ गया. क्या है ये, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म. एक्चुअली इट दिस हाउ इट हैज फॉर्म्ड, द सेल्स डिराइव फ्रॉम योक सैक दे विल बी फिल इनर सरफेस ऑफ साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड आउटर सरफेस ऑफ एक्सोसीलोमिक कैविटी. हुआ क्या है, जो ह्यूजर्स मेम्ब्रेन पिछले वाले स्लाइड में देखते हैं, यहां देखो ह्यूजर्स मेम्ब्रेन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है किसके, साइटोट्रोफोब्लास्ट के.
अब विद टाइम ये डे 9 था, 11 एंड 12 पे क्या हुआ है, ये ह्यूजर्स मेम्ब्रेन कहाँ चला गया है, देर इज अ गैप बिटवीन द ह्यूजर्स मेम्ब्रेन एंड द साइटोट्रोफोब्लास्ट. सो दिस स्पेस विच इज क्रिएटेड बाय दिस गैप इज एक्चुअली द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोमिक कैविटी. सो बाय द डिटैचमेंट ऑफ ह्यूजर्स मेम्ब्रेन फ्रॉम द साइटोट्रोफोब्लास्ट अ गैप इज क्रिएटेड और अ स्पेस इज क्रिएटेड that is known as extra exocoelomic cavity or extra embryonic and it will be lined by a mesoderm. That mesoderm is known as extra embryonic mesoderm. What are the two kinds of mesoderm? Kabhi kisi ne padha ya suna ho? What are the two kinds of mesoderm? There are two layers in the mesoderm. When it is lining the body cavity, जब भी वो body cavity को line कर रही है ना, आगे जब हम body, अभी तो ये क्या है, ये कहाँ appear हो रहा है, outer cell mass में, लेकिन जब हम inner cell mass का भी जब हम development पढ़ेंगे, तो first what is developed is the body cavity, and then viscera they start projecting inside this body cavity. तो जब वो प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं विसरा, अभी तुम्हारा नेक्स्ट थोरैक्स नहीं शुरू हो रहा ना, लोअर लिम शुरू हो रहा, अगर थोरैक्स शुरू हो रहा होता तो तुम्हें पता लग जाता कि जैसे हार्ट है, देर आर टू लेयर्स विच आर कवरिंग द हार्ट. व्हाट आर दे, देर इज फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड देर इज सीरस पेरिकार्डियम. हैव यू हर्ड ऑफ दीज टू लेयर्स? एवरी विसरा इज कवर्ड बाय टू लेयर्स. वो जो दो लेयर है उसमें जो अंदर वाला लेयर होता है, मतलब बॉडी कैविटी से ही वो अंदर वाला ऐसे प्रोजेक्ट हुआ तो अंदर से एक लेयर वहां चला गया. ऐसे ही स्टमक है, दे आर कवर्ड बाय पेरिटोनियम. तो पैराइटल और विसरल दो काइंड के लेयर्स होते हैं. खैर छोड़ दो, अभी हम करेंगे जैसे जैसे करेंगे वैसा. तो ओनली वन और टू स्लाइड्स, ये बस खत्म होने वाला है. सेकेंड 11 12 डे पे तो आ ही गए हैं, 13 और 14 और है. So what is appeared by 11th or 12th day? The extra embryonic coelomic cavity. So this is the extra embryonic coelomic cavity. On the inner side there is a Heuser's membrane and on the outer side there are cytotrophoblasts. Now this cavity will be lined by a layer. That layer is known as extra embryonic मेसोडर्म. एंड द कैविटीज जब पहले वैक्यूल्स की तरह अपीयर होंगी एंड देन दीज कैविटीज विल बी फ्यूजिंग एंड अ सिंगल कैविटी विल बी फॉर्म. दैट कैविटी इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम और कोरियोनिक कैविटी. सो दिस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम इज एक्चुअली द कोरियोनिक कैविटी. अब इसको याद रखना कि ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी ही क्या है, कोरियोनिक कैविटी है. Then extra embryonic cavity, it surrounds the primitive yolk sac. It is surrounding the primitive yolk sac and the amniotic cavity. Can you see it is surrounding the amniotic cavity? It is surrounding the yolk sac and except where the trophoblast is connected by connecting stalk. So this structure is actually the connecting stalk. कितनी cavities दिख रही हैं अब day 11 और 12 पे? तीन. कौन कौन सी? एमनियोटिक कैविटी, योक सैक कैविटी एंड दी कोरियोनिक कैविटी. कौन सी कैविटी दो कैविटीज को लाइन कर रही है? कोरियोनिक कैविटी. सो दिस कोरियोनिक कैविटी इज लाइनिंग दी, इट इज कवरिंग एक्चुअली दी योक सैक कैविटी एंड दी एमनियोटिक कैविटी. सिर्फ एक कनेक्शन कहां पे बच गया है, जहां पे ये इनर सेल मास पे कहां से कनेक्टेड है? बाय अ कनेक्टिंग stalk. So day 11 and 12 there are two cavities, the amniotic cavity, primitive yolk sac cavity, and then there is extra embryonic coelom. It is connected by a connecting stalk with this amniogenic cells or the amniotic inner cell mass. They are connected, it is connected to the inner cell mass at this layer. So extra embryonic somatopleuric mesoderm, it will lining the cytotrophoblast and amnion. अब ये जो cavity, जो extra embryonic coelom जो appear हुआ है,
इट इज ऑल्सो लाइंड बाय टू लेयर्स विच आर शोन इन रेड कलर. दिख रहे हैं दो सेपरेट, एक अंदर की तरफ दिख रहा है, एक बाहर की तरफ दिख रहा है. तो ये जो दोनों मीजोडर्म है, ये है सोमैटोप्लूरिक मीजोडर्म एंड प्लैंकनोप्लूरिक मीजोडर्म. तो सोमैटिक, दिस इज दी सोमैटिक, द आउटर वन इज दी सोमैटिक मीजोडर्म और सोमैटोप्लूरिक मीजोडर्म एंड द इनर वन इज दी प्लैंकनिक मीजोडर्म. और अगर एक ही लाइन में हम बोले तो ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी है या सीलोम है, इट इज लाइंड बाय एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म. एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म हैज गॉट टू लेयर्स, द सोमैटिक लेयर एंड द प्लैंकनिक लेयर. सोमैटिक लेयर इज द आउटर वन एंड प्लैंकनिक लेयर इज द इनर वन. एंड दीज टू लेयर्स दे आर लाइनिंग द दिस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम. नाउ वॉट इज डेसीडुअल रिएक्शन? एज द नेम सजेस्ट, what will happen in the the uterine endometrium when implantation is occurring, a reaction takes place that is known as decidual reaction. kya kya changes hai? It is the response of the endometrium to the when the product of conception is being implanted. So stromal cells, they will be changed into pre-decidual cells. The decidual cells will have more, they will become polyhedral and they store glycogen and lipid droplets. Then intercellular spaces filled with the extravasate. Uterine endometrium, जिसमें stratum functional और stratum basal है, उसमें stratum functional में क्या क्या changes होंगे when the implantation is taking place. All that reaction is the decidual reaction. The stromal cells are changing into polyhedral kind of cells and they will be storing the glycogen and the lipid droplets, and intercellular spaces will appear and the tissue becomes edematous. Now at day 13, the surface defect will be closed by the uterine endometrium. Day 9 पे क्या बना था? Fibrin plug बना था, लेकिन endometrium ने आके उसको cover नहीं करा था. And they will be the cells of the cytotrophoblast, they will proliferate and they will be forming the villi, the placental villi. मतलब placenta कितनी जल्दी बनना शुरू हो गया है fertilization के 14 days के बाद ही, day 13 पे ही देखो, primary villi will start appearing. अच्छा, ये diagram अभी दिख रहा है, ठीक है? Green color के cells कौन से हैं? साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सिंसीशियोट्रोफोब्लास्ट. इफ आई से दीज सेल्स आर प्रोजेक्टिंग और दे आर इन्वेडिंग एंड दे विल बी फॉर्मिंग विलाय, तो विलाय, प्राइमरी विलाय में कौन से सेल्स होंगे? साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सिंसीशियोट्रोफोब्लास्ट. विलाय आर, दे आर लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच विल बी इन्वेडिंग दी मेटर्नल एंडोमेट्रियम. सो प्राइमरी विलाय कंजिस्ट of cytotrophoblast and syncytiotrophoblast. Placenta पे एक पूरी क्लास है, उसमें हम पढ़ेंगे, लेकिन बस ये अपीयर कहाँ हो गए हैं? डे 13 पे cytotrophoblast and syncytio. And cells of the hypoblast, एक primary yolk sac से और क्या बन जाएगा? Secondary yolk sac. मतलब डे 13 पे ही और क्या हो रहा है? एक छोटा सा पिंच ऑफ मतलब cyst like cavity, it will be discarded from the primary yolk sac and primary yolk sac will be converted into secondary yolk sac by the formation of exocoelomic cyst. Now the most interesting part of this development, where you can understand the fetal membranes. How many fetal membranes are there? What are fetal membranes? एमनियन, कोरियन, आवाज आ रही है मुझे. तो अब योक सैक, अभी हम देखेंगे, वो मेम्ब्रेन्स भी बाद में पढ़ेंगे. अभी सिर्फ क्या हुआ है, उनका प्राइमोडियम जो है दैट हैज अपीयर्ड. सो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म लाइनिंग इनसाइड ऑफ साइटोट्रोफोब्लास्ट इज कोरियोनिक प्लेट. कोरियोनिक प्लेट अब किस किस से बना है? हमने बोला था कि ये जो
एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम है, यही क्या है? कोरियोनिक कैविटी है. तो कोरियोनिक कैविटी को बाहर से कौन कौन सी लेयर्स लाइन कर रही हैं? ये कौन सी लेयर्स हैं? सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट. सो दे विल बी अलोंग विद द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, दे विल बी फॉर्मिंग व्हाट? दे विल बी फॉर्मिंग द कोरियोनिक प्लेट. यही है ना एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम जो यहां दिख रहा है, यही क्या है? कोरियोनिक कैविटी है. कोरियोनिक कैविटी इज लाइंड बाय कोरियोनिक प्लेट. सो कोरियोनिक प्लेट इज फॉर्म्ड बाय एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड दी सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट. एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म एंड टू लेयर्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट, दे फॉर्म एक्चुअली दी कोरियोन. सो कोरियोन इज फॉर्म्ड बाय सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड विच लेयर ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म? हियर आई आस्क, सोमैटिक लेयर ऑफ द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म. दो लेयर्स थी मीजोडर्म की, कौन कौन सी? सोमैटिक लेयर एंड स्प्लैंकनिक लेयर. सोमैटिक लेयर बाहर की तरफ थी, स्प्लैंकनिक लेयर अंदर की तरफ है. तो अगर ये पूरा कोरियन है तो यहां पे कौन सा लेयर आएगा? सोमैटिक लेयर. सोमैटिक लेयर ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, दी साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट. सो कोरियन फॉर्म्स द वॉल ऑफ कोरियोनिक सैक इन विच एम्ब्रियो, इट्स एमनियोटिक एंड योक सैक्स आर सस्पेंडेड बाय कनेक्टिंग स्टॉक. ये नीचे वाला पिक्चर जो है वो अच्छे से देखो, ये पूरी कैविटी जहां पे ये क्या दिख रहे हैं, दे आर प्लेसेंटल विलाए. ब्लू ग्रीन कलर से जो दिख रहा है ये क्या है? पूरा कोरियन है जहां पे कोरियोनिक विलाए दिख रहे हैं. दिस इज द कोरियोनिक कैविटी विच इज कनेक्टेड विद द एम्ब्रियो बाय द कनेक्टिंग स्टॉक एंड देन एम्ब्रियो एज सच इज कवर्ड बाय एमनियोटिक कैविटी. देन देयर इज अ योक सैक कैविटी ऑल्सो. नेक्स्ट स्लाइड में शायद इट विल बी मोर क्लियर. दिस कनेक्टिंग स्टॉक विल फॉर्म द एम्ब्लाइकल कॉर्ड. सो हेयर यू कैन सी, ये है एम्ब्रियो विच इज कवर्ड बाय एमनियोटिक सैक एंड एमनियोटिक सैक और एमनियोटिक मेम्ब्रेन. दिस इज द योक सैक कैविटी. ये भी छोटा हो जाएगा, प्राइमरी से सेकेंडरी बन गया है, इनर सेल मास से दूर हो जाएगा. एंड देन यू कैन सी कोरियोनिक कैविटी, इट विल बी लाइनिंग और इट विल बी कवरिंग द होल ऑफ दिस एम्ब्रियो. एंड देन वॉट विल बी फॉर्म फ्रॉम कोरियोनिक प्लेट? द प्लेसेंटल विलाए. सो दिस इज एक्चुअली द फाइनल पिक्चर. वो जो कनेक्टिंग स्टॉक है दैट विल बी फॉर्मिंग द अम्ब्लाइकल कॉर्ड. सो हेयर यू कैन सी दिस इज द कनेक्टिंग स्टॉक वेयर द अम्ब्लाइकल कॉर्ड इज अटैच. अम्ब्लाइकल कॉर्ड एट वन एंड इज अटैच टू द अम्ब्लाइकस ऑफ द फीटस एंड एट द अदर एंड इट इज अटैच टू द प्लेसेंटा. अब तुम कहोगे कि कोरियोनिक जो प्लेट थी वो तो पूरे एम्ब्रियो को पूरे सारे तरफ से कवर कर रही थी, तो प्लेसेंटा भी पूरा होना चाहिए, यहाँ पे पूरा कवर करना चाहिए इसको, फीटस को. होता क्या है, थोड़े टाइम बाद हम देखेंगे कि जितना सिर्फ प्लेसेंटा बनाना है उतने विलाय बच जाएंगे, बाकी के जो कोरियोनिक प्लेट होगी वो डीजनरेट हो जाएगी. सो दिस वे दिस फाइनली द फीटस विल फॉर्म. सो वी कैन सी और कंपेयर द टू कैविटीज विद दिस आर ग्लास. ये दोनों कैविटीज क्या हैं? ये दोनों कैविटीज कौन सी है सेकेंड वीक में? एमनियोटिक कैविटी एंड योक सैक कैविटी. दिस इज द इनर सेल मास विच इज इन टू कलर्स. तो इनर सेल मास में कौन से लेयर्स हैं? एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट. तो एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, एमनियोटिक कैविटी एंड योक सैक कैविटी एंड दिस एज अ होल इज कवर्ड बाय एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म और द कोरियोनिक कैविटी. सो बाय द एंड ऑफ सेकेंड वीक टू अपोज सेल डिस्क, द एपीब्लास्ट विल बी फॉर्मिंग द फ्लोर ऑफ द एमनियोटिक कैविटी. किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? एपीब्लास्ट बना रहे हैं ना फ्लोर ऑफ एमनियोटिक कैविटी. देन हाइपोब्लास्ट आर फॉर्मिंग द रूफ ऑफ योक सैक कैविटी. और किससे लाइंड है योक सैक?
ह्यूजर्स मेम्ब्रेन, जो बाकी का जो ये है योक सैक कैविटी, इट इज लाइंड बाय ह्यूजर्स मेम्ब्रेन, ओनली द रूफ इज लाइंड बाय द हाइपोब्लास्ट. सिमिलरली फ्लोर ऑफ द एमनियोटिक कैविटी इज लाइंड बाय एपीब्लास्ट एंड रेस्ट ऑफ द एमनियोटिक कैविटी इज लाइंड बाय एमनियोजेनिक सेल्स विच आर फ्लैटेंड एंड एपीब्लास्ट सेल्स आर कॉलमनार. देन देयर इज अपीयरेंस ऑफ प्रोकॉर्डल प्लेट, इसको हम नेक्स्ट टर्न में डिस्कस करेंगे. दिस इज ओनली द समरी. फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक के जितने भी चेंजेस हैं ठीक से पढ़ लेना, ये एग्जाम में आएंगे. तो जोना पेल्यूसिडा इट अपियर्स एट डे 5 और 6, देन ब्लास्टोसिस्ट अटैचेस एट डे 6. तो सेकेंड, दिस इज एक्चुअली द समरी. द सेकेंड वीक इज द वीक ऑफ टूज. देर आर टू ट्रोफोब्लास्ट लेयर्स, द साइटो एंड सिंसिशियो, टू एम्ब्रियोब्लास्ट लेयर्स, द एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट. एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म हैज अपीयर्ड एंड इट डिफरेंशिएट्स इनटू सोमैटोप्लूरिक एंड प्लैंक्नोप्लूरिक लेयर. एंड देन देर आर टू कैविटीज, द एमनियोटिक कैविटी एंड द योक सैक कैविटी.